हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सीखी थी, कैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं अपन। अब अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर अपन को डायरेक्टली जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो अपन कैसे करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अगर आपको डायरेक्ट जीरोस निकालने हैं तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विदाउट सॉल्विंग इट। क्वेश्चन देख स्टार्ट करते हैं। पहले अपन एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं, अब तक आपने जो देखा वो कुछ क्वेश्चन से मैं आपको दोबारा समझाऊंगा और फिर उसी को ट्रिक से करूंगा, ठीक है। करें स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो है 2x² + 9x + 10। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c की फॉर्म में है, तो ऑलरेडी अरेंज है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आता है 20, ठीक है। क्या आता है? +20x². सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लस। अगर प्लस का साइन नहीं होगा तो अपन थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये प्लस का साइन जो अपने होता है वो क्या बताता है? प्लस का साइन ये बताता है कि बीच में जो अपन करेंगे वो एक तो एडिशन होगा और बीच वाले जो दोनों टर्म्स होंगे उनके साइन सेम होंगे। ये दोनों चीजें बताई थी किसने? बताई थी इस +20x² ने। तो ठीक है, अब बीच वाले दोनों साइन कौन से होंगे वो बताता है। जो बीच वाली टर्म का साइन होता है बोले तो +9x, मतलब बीच वाले दोनों के टर्म्स का साइन क्या होगा? प्लस का, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे मेन चीज 20 के अगर अपन पॉसिबल फैक्टर्स देखें, कुछ पॉसिबल फैक्टर्स देखें, तो एक तो होता है 1 × 20, एक होता है 4 × 5 = 20 और एक होता है 2 × 10 = 20। लेकिन अपन को क्या कंडीशन देखनी होती है? ठीक है, बीच वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो तो 20x² होना चाहिए, बट उनका एडिशन भी तो 9x के इक्वल होना चाहिए। अब अपन देखें अगर 20 × 20 के अंदर, ठीक है, 20 + 1 करोगे तो 21 आएगा, अपन को क्या चाहिए? 9। तो ठीक है, इग्नोर। नेक्स्ट है अगर अपन देखें 2 × 10 = 20 होता है, बहुत अच्छी बात है, बट 2 + 10 = 12, तो अपन को 12 नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए? 9। तो एक फैक्टर बचता है 4 × 5 = 20 होता है और 4 + 5 = 9। यस, ये दोनों फैक्टर काम कर जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं? उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, उसको मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 4x और एक 5x। तो एक तो 4x आया और एक 5x आया, यहां तक की ठीक है। अब अपन इसको रीराइट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दोबारा से रीराइट करते हैं। तो अपन एक चीज देखेंगे, वो क्या है? अपन एक चीज देखेंगे 2x² + 9x + 10 को मैंने लिखा 2x² और 10। जैसा मैंने बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कभी कोई चेंज नहीं आता, तो अभी भी नहीं आएगा। फैक्टर्स 4 और 5 है, मतलब 9x को अपन क्या लिख रहे हैं? 4x + 5x + 4x + 5x, इसको आप +5x + 4x पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर अपन ने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन आया तो बचा x + 2, 2x कॉमन आया तो बचा x + 2 और उधर से कॉमन आ रहा है 5, बचा x + 2। x + 2 सेम है, मतलब अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। पूरे में से अपन ने x + 2 कॉमन निकाल लिया, बचा 2x + 5। तो यहां तक अपन ने फैक्टराइज करा, तो इसके दो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? x + 2 और 2x + 5। जीरो निकालने के लिए अपन क्या करते थे? x + 2 को 0 के इक्वल रखोगे, x कितना आएगा? -2। 2x + 5 को 0 के इक्वल रखोगे, क्या आएगा? x = -5/2, ठीक है। तो ये तो था पूरा एक सिस्टमेटिक वे से अगर अपन चलते हैं तो जीरो निकालने का एक प्रॉपर मेथड। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये अप्रोच अपन को पूरा शो करना है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो क्या अपन ये बेवकूफी करेंगे कि पूरे को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करें? नहीं, अपन डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट आंसर कैसे निकलता है, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। कोई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं, कुछ नहीं, अपन डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन था 2x²
प्लस 9x प्लस 10। बस बेसिक रूल्स माइंड में होने चाहिए। मेरे को पता है दो जीरोस आएंगे, ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आने वाली है, ये मेरे को पता है। अब जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है और अगर बीच वाली टर्म भी पॉजिटिव होती है तो दोनों जीरोस क्या होते हैं? नेगेटिव। मतलब अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यहाँ जो साइन होगा उसके उल्टे साइन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का था तो दोनों जीरोस क्या हो गए? माइनस के हो गए। अब देखो फैक्टर्स क्या निकाले थे अपन ने, 4x एंड 5x। मतलब एक फैक्टर 4 था और एक फैक्टर 5 है, तो एक फैक्टर 4 था और एक फैक्टर 5 है। अब कुछ नहीं करना, अब जस्ट x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? हमेशा x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 दोनों जगह। माइनस 4 अपॉन 2 क्या होता है? माइनस 2, और ये माइनस 5 अपॉन 2 है। तो अपन ने जो इतना लेंथी प्रोसेस करा था, क्या वो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहा है? कुछ नहीं करना, दोबारा से सुने, फैक्टर्स निकालो, एप्रोप्रिएट फैक्टर्स निकाले। 4 और 5 थे, साइन दोनों के माइनस के क्यों आया वो समझ में आता है, ठीक है। फिर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो। मैंने डिवाइड करा तो एक फैक्टर माइनस 2 आ रहा, एक 0 माइनस 2 आ रहा है और एक माइनस 5/2 आ रहा है, खत्म। इससे इजी और क्या होगा? कोई स्प्लिटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई मेथड नहीं लगाना, डायरेक्ट जीरोस निकाल रहे अपन। अब अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन देखा आंसर क्या, ठीक है, बहुत इजी। रवि सर, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा प्रोसेस है, ये डिटेल्ड में है। अगर आपको लास्ट वीडियो में कुछ मिस हो गया था तो अपन यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं क्या प्रोसीजर होता है, कैसे अटेम्प्ट करा जाता है क्वेश्चन, सब कुछ, ठीक है, समझ आ रही बात है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसमें अपन को फैक्टराइज किसको पढ़ना है और जीरोस किसके निकालना है। फैक्टराइज और जीरोस निकालना है 6x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20। क्वेश्चन क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20। अपन को इसको क्या करना था? पहले फैक्टराइज करना था, फिर इसके जीरोस निकालना था, ठीक है। मेथड वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा? 6x स्क्वायर और माइनस 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस 120x स्क्वायर, ठीक है। अगर माइनस का 120 आ रहा है तो माइनस का साइन मेरे को ये बताता है कि बीच वाली दोनों टर्म्स एक तो सब्ट्रैक्ट होगी और एक साइन पॉजिटिव होगा, एक का साइन नेगेटिव होगा। ये चीजें समझ में आती है। अब देखो कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा साइन नेगेटिव होगा। अपन सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। जब अपन ने इसके फैक्टर्स निकाले तो एक फैक्टर आ रहा है 5 और एक आ रहा है 24, ठीक है। मुझे ये भी पता था कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मतलब एक 5x है और एक 24x है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। सब कुछ डिपेंड करता है बीच वाले साइन पे। बीच वाले का साइन क्या है? माइनस। तो जो बड़ा नंबर होता है उसके पहले माइनस का साइन आता है, तो 24 के पहले तो माइनस का आ जाएगा और 5x के पहले प्लस का आ जाएगा। यहां तक की बात है, ठीक है, समझ आता है। तो अपन ने इसको रीराइट करा, 6x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 प्लस 5x माइनस 20। फैक्टर्स निकाले, 6x स्क्वायर कॉमन आया, x माइनस 4 और आगे प्लस 5 कॉमन निकाला और आगे x माइनस 4। x माइनस 4 सेम है तो अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। x माइनस 4 को पूरे में से कॉमन निकाल लिया, बचा 6x प्लस 5। अब अपन को तो जीरोस निकालने से मतलब था, तो जीरोस निकालेंगे तो आएगा, एक तो आएगा x की वैल्यू माइनस 5/6 और एक x इक्वल्स टू 4। ये दो जीरोस हो गए। अब ये था इतना लंबा प्रोसेस जीरोस निकालने के लिए। इसी क्वेश्चन को अपन ट्रिक से करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन किससे करेंगे? ट्रिक से करेंगे। तो जब अपन ट्रिक से करते हैं तो देखो क्या होता है। क्वेश्चन था 6x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20। सब रूल्स का है, पहले डिग्री 2 है, मतलब जीरोस दो आएंगे, ठीक है, x के दो वैल्यूज आने वाली है, ये पता था। प्रोडक्ट माइनस का है, प्रोडक्ट माइनस का है तो एक का साइन पॉजिटिव होगा, एक का साइन नेगेटिव होगा, ये भी पता था, गुड। फिर फैक्टर्स निकालो,
फैक्टर्स निकाले, एक तो 24x है और एक 5x है, 24 है और एक 5 है, ठीक है। यहां जो साइन होगा वो छोटे नंबर के पहले होगा जीरोस में, मतलब अपन एक चीज देख रहे हैं जो जीरोस में होता है वो फैक्टर्स का जस्ट अपोजिट होता है, और ये अपन को पता भी है, अगर एक्स प्लस 4 है तो x की वैल्यू माइनस 4 होगी, मतलब जो फैक्टर्स का रूल चलता है उससे उल्टा चलता है जीरोस का रूल। तो अपन ने उसमें क्या लिया था, बड़े नंबर के पहले यहां वाला साइन लगाया था, यहां पे उल्टा करेंगे, यहां वाला साइन छोटे के पहले लगाएंगे, 24 और 5 में छोटा कौन है 5, तो माइनस का साइन आ गया 5 के और 24 इसके। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6, दोनों को 6 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4 और ये -5 अपॉन 6, तो इसके दो जीरोस कौन सा है, है क्या चिंटू, बहुत इजी है, क्या करना है समझ आ रहा है, आएगा अभी आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, सारा खेल क्वेश्चंस का है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन का बन जाएंगे उतना ज्यादा ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्प्लिटिंग करनी, वही क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3, सबसे फर्स्ट रूल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, 2x² और प्लस 3 का प्रोडक्ट करोगे प्लस 6x², साइन किसका है प्लस का, मतलब बीच वाली दोनों टर्म्स ऐड होगी और दोनों का साइन सेम होगा, ठीक है। अगर बीच में माइनस का साइन है तो पेयर कौन सा लेंगे, दोनों माइनस के, ठीक है। फैक्टर्स निकाले क्या आया है 3 और 2, तो मैंने इसको रीराइट करा 2x² - 3x - 2x + 3, कॉमन निकाला तो आता है फैक्टर्स आएंगे 2x - 3 और x - 1, जीरोस निकालोगे x की वैल्यू आएगी 3/2 और x की वैल्यू आएगी 1, यहां तक भी समझ में आता है। तो अपन ने ये तो करा पूरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जीरोस, अपन को क्या करना है इस वीडियो के थ्रू, जस्ट ट्रिक सीखनी है किसकी, जीरोस निकालने की, ठीक है। करें स्टार्ट, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन था 2x² - 5x + 3, क्या करना था स्प्लिटिंग, क्यों करने थे अपन को, तो जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना है तो एक तो x की दो वैल्यूज आएगी, ये मेरे को पता था, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों के साइन सेम होंगे, यहाँ जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन होंगे, इन दोनों का साइन सेम था मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो जीरोस का साइन सेम होगा, यहाँ कौन सा है माइनस तो जीरोस हमेशा प्लस के आएंगे, ठीक है। फैक्टर्स निकाले 3 और 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, डिवाइड कर डालो, ये कितना आ गया 1 और वो 3/2, ये आ रहा था क्या आंसर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है 5x² + 2x - 3, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव, बीच वाले दोनों साइन क्या होंगे हमेशा अपोजिट, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ठीक है, और बीच वाले दोनों टर्म्स क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। मैंने फैक्टर्स बनाए 5 और 3, रीराइट करा 5x² + 5x - 3x - 3, कॉमन निकाला, दो फैक्टर्स आ रहे हैं 5x - 3 और x + 1, जीरोस क्या आ रहे हैं x = 3/5 और x = -1, समझ आता है। ये था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू, अपन को क्या करना है ट्रिक, ट्रिक से देख लेते हैं इसके जीरोस का। क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन है 5x² + 2x - 3, एक्स दो वैल्यू आएगी, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव, मतलब एक जीरो पॉजिटिव होगा और एक जीरो नेगेटिव होगा, यहां जो साइन होगा वो किसके पहले होगा छोटे वाले फैक्टर के, फैक्टर कौन सा आ रहे हैं 5 और 3, छोटा नंबर कौन सा है 3, ठीक है। जो इसका फैक्टर है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना था, डिवाइड कर दो, ये हो गया -1 और ये 3/5, यही आंसर आ रहा था कि आपका। तो अपन क्या देख रहे हैं इस वीडियो में, जीरोस निकालना है, क्वेश्चन देखा आंसर लिखा खत्म, कोई मेथड नहीं लगाना बीच में,
ठीक है, समझ आ रही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन करेंगे कुछ क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब अपन डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन अभी करेंगे जिसमें आप डायरेक्ट आंसर पे जाओगे, और उसके बाद में आप किसी भी बुक के स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के क्वेश्चन उठाओगे और सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। और एक तो अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स है और एक डायरेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आती बात है। देखो अपन क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं अपने सामने जिनको अपन को सॉल्व करना है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब अपन डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 14x + 8। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है, दो वैल्यू जाएगी, आने दो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है, प्लस का, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो जीरोस क्या होंगे, माइनस के। उल्टे चलते हैं, जीरोस हमेशा उल्टे चलते हैं फैक्टर्स से, तो माइनस फैक्टर्स क्या निकले, एक तो 12 और एक 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, डिवाइड कर दो, मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, -4 और -2/3, खत्म, यही आंसर है। सॉल्व कर लेना लॉग मेथड से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आता है। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + x - 45। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आएगा, -90x², ठीक है। जैसे ही माइनस का साइन देखा, मेरे को पता लग गया एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। 90 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 आए, ठीक है, 10 और 9, ठीक है। यही बेवकूफी कर देते हैं, 10 और 9, कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, जो बीच वाला साइन होता है उसके पहले कौन सा साइन, वो किसके पहले लगता है, वो लगता है छोटे के। 10 और 9 में छोटा कौन है, 9, बचा 10। डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, बोले तो 2। लो भाई, तो एक तो एक्स की वैल्यू 9/2 आ रही है और एक एक्स की वैल्यू -5 आ रही है, ठीक है, समझ आता है क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन रैंडमली कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है 3x² - 10x - 8, ठीक है। जो क्वेश्चन अपन छोड़ रहे हैं वो आप करोगे दोनों मेथड से, स्प्लिटिंग से भी और ट्रिक से भी। क्वेश्चन है 3x² - 10x + 8। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, एक्स की दो वैल्यू आ रही है। बीच वाली टर्म का साइन क्या है, माइनस, मतलब जीरोस के आएंगे प्लस के, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों के साइन हमेशा सेम होते हैं सॉरी अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो दोनों के साइन अपोजिट होंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव था तो दोनों के साइन अपोजिट थे, यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो दोनों के साइन सेम होंगे। वो सेम कौन से होंगे, बीच वाले साइन के अपोजिट। यहाँ पे बीच वाला साइन क्या है, माइनस का, तो जीरोस क्या होंगे, प्लस के, ठीक है। फैक्टर्स 24 के ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 10। 6 × 4 = 24 होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, डिवाइड कर दो, एक तो 2 आ गया और एक। सच ए सिंपल ट्रिक, क्वेश्चन देखा आंसर बताया, ग्रुप में बैठ के कभी कर दोगे तो टेंशन हो जाएगी स्टूडेंट्स के, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक में डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, समझ में आया क्या।